हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाय वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 78% कार्बन है, बचा आपका हाइड्रोजन है। द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज, तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड को बताना है। तो देखिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कार्बन का परसेंट दिया है 78 और ये परसेंट बाय वेट दिया है, और दूसरा परसेंट हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आपका 22 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो देखिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, हमें सिंपली एम्पिरिकल फार्मूला में मोल्स ऑफ कार्बन और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इसी दोनों का सिंपल रेशियो लेना होता है। तो यदि हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया, तो ये तो बाय वेट दिया है, इसलिए हम इससे 78/12 लिख सकते हैं। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा 2 6 2 3 2 9, ये 39/6, जिसको हम फर्दर 13/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 13.2, दैट मीन 6.5 के अप्रॉक्स आ गया। जबकि यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन की मैं बात करूँ, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को लिखा जा सकता है 22/1, दैट इज 22। तो ये आपका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये रेशियो क्या सिंपल आपको दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये रेशियो सिंपल आपका नहीं है। तो सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो इस दोनों में से छोटा नंबर होता है उसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसे देखो यार, 6.5 है और ये 22 है, दोनों को हम जो छोटा नंबर है उसे डिवाइड कर दिए, तो ये तो आपका 1 मिल जाएगा। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 22 को 6.5 से, तो ये रिजल्ट जो है अप्रॉक्स में आ जाता है 3.38 के अप्रॉक्स आ रहा है, और इसको हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 3। तो इस तरह से कार्बन का जो आ रहा है 1 और हाइड्रोजन का जो आया 3 आया, तो जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन फोर्थ जो है आपका CH3, ये आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।